ये वो पेड़ है जो मैं बना रही हूँ, तो अभी तक इतना ही कंप्लीट हुआ है। मैंने ऊन से इसको पूरे तरीके से रैप करके उसके बाद टिश्यू पेपर से रैप कर दिया है। और ये है मिट्टी का जो होता है ढक्कन, वो है इसी में मैं इसको ऐसे बैठाऊंगी, तो ऐसे ऊपर उल्टा करके बैठाऊंगी और बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा सीमेंट का काम भी चल रहा है घर में, तो सीमेंट लेकर और इसी में इसको बैठा दूंगी, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा एक तरीके का गमला जैसा। और अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसके ऊपर मैं फूल पत्ते कैसे लगाऊँ। जैसे भी लगाऊंगी आप सभी के साथ शेयर करूंगी थोड़ा थोड़ा करके हर ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी 2:15 हो गया है टाइम, और सुबह सुबह का टाइम है। मैंने अपना मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म कर लिया, दोपहर का खाना भी बना लिया, और आज मैंने खाने में बनाया है कढ़ी और चावल। तो बस सारा खाना बना के और ख़त्म कर लिया है काम सारा अपना, और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ पूरे से। और आज क्या हुआ है कि मैंने पकौड़ियों के लिए बहुत सारी हरी मिर्च काटी। मेरे इस हाथ में, जिस हाथ से मैंने खाना बनाया है उसमें जलन नहीं हो रहा है, लेकिन इस हाथ में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तो अभी देखिए हस्बैंड आ गए, गए कहीं ये पास में ऊपर का कुछ सामान था लाना, वो लाने के लिए मुझे बोल कर गए थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लेकर आता हूँ फिर तुरंत चलेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ ये सिलने के लिए देने। तो चलिए आती हूँ तो फिर मिलती हूँ आप सबसे। अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और ये अपने लिए और बाबू के लिए यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ। तो देखिए कढ़ी कितनी बढ़िया बनी है। मुझे कढ़ी का कलर ऐसा ही पसंद आता है, जो बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी बन जाती है कढ़ी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आप लोग अगर कहिएगा तो मैं इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए बाबू देख रहा है टीवी, तो मैं इसको खिला लेती हूँ। और सूट सिलने के लिए गई थी मैं देने, क्योंकि अभी गर्मी में साड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए मैं बाबू को खाना खिला लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ, तब तक आप लोग देख लीजिए मिठाई की रेसिपी। मैंने आज बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई है। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध का छेना फाड़ के और इसका पानी पूरी तरीके से निकाल के इसको रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसमें सूजी डाल के, 1 चम्मच सूजी डाल के, और इसको अच्छे से मल के और चिकना कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया है, येलो फूड कलर, और लिया है मैंने ऑरेंज फ्लेवर इसमें डालने के लिए, और साथ में इतना सा वाइट रहने दिया है। तो अभी जो ये येलो वाला है इसमें हम छोटे छोटे से पीस बना लेंगे। तो जितने पीस येलो वाले में बनेंगे उतना ही पीस मैं वाइट वाले का भी बनाऊंगी, क्योंकि वाइट वाला जो है येलो के अंदर में स्टफ करना है मुझे। तो मैं ये बना रही हूँ ऑरेंज फ्लेवर का रसगुल्ला, और इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर ऐड किया है इसमें। तो देखिए 6 पीस ये कुल हुआ, तो 6 पीस मैंने वाइट वाले को भी काट लिया है। अब इसके अंदर अच्छे से भर के और चिकना कर लेना है रसगुल्ले को, वरना अगर क्रैक रहा तो क्रैक हो जाएगा जाके चाशनी में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भर के और एकदम चिकना कर लिया है, और यहाँ पे चाशनी भी उबल चुकी है। चाशनी के लिए बस वैसे ही जैसे 2 गिलास या फिर 2 कप चीनी है, तो उसमें आपको उतना ही पानी डाल के और चाशनी इसका बना देना होता है। तो चाशनी का कहने का मतलब 1-2 तार की चाशनी, जैसे ही चीनी घुल जाए, पानी में उबाल आ जाए, बस आप रसगुल्ले को एक एक करके ऐड कर दें, एक साथ बिल्कुल भी ना करें, एक एक करके करें। तो यहाँ पे देखिए रसगुल्ले को ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़े थोड़े ढक ढक के मैं पका लूँगी, और इसको चलाना नहीं होता है, हल्का सा आप अगर धीरे से इसको पलटना चाहे तो पलट सकते हैं, पर चलाना नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक गलती हो गई थी मुझसे, मैंने बर्तन छोटा ही ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये फूल के इतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये देखिए, और ये फूल के पूरी तरीके से भर गया था, इस वजह से इसको मैं हिला के पलट भी नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसलिए चम्मच का इस्तेमाल किया। आप चम्मच का इस्तेमाल ना कर रहे, बड़ा बर्तन ही ले ले। तो ये देखिए रसगुल्ला हमारा पूरी तरीके से फूल चुका है, अब इससे ज़्यादा ये नहीं फूलेगा, और चाशनी भी आप देख सकते हो सूख चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और इसको मैं पलट नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे बस हिला हिला के मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ चारों तरफ से पक जाए। तो ये देखिए कितना स्पंजी आपको नज़र आ रहा होगा, तो पूरी तरीके से ये बन चुका है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया है ये, और 2 रसगुल्ले का शेप थोड़ा ख़राब हो गया है, टूट गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल गया था इस वजह से, और बर्तन छोटा था मेरा। तो यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का बुरादा, और उसमें इसको अच्छे से कोट कर लूँगी,
और इसमें मैंने एक चीज़ जो है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, शायद वो वीडियो क्लिप मिस हो गई है। मैंने इसमें ऑरेंज फ्लेवर भी डाला है, तो वो आपको नहीं दिखा होगा, पर मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने लिया है डालने के लिए। तो अब मैं इसको, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, पर मैंने इसको काट के, और क्योंकि मैंने अंदर में वाइट स्टफ़ किया था इसलिए मैं इसको काट के आपको दिखा रही हूँ। तो सच में खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, और जो चाशनी है एकदम पूरी तरीके से अच्छा बना था। आप यहाँ पे मैं आपको अच्छे से, कैमरा मेरा बढ़िया से फोकस नहीं कर रहा है, वरना मैं आपको दिखाती, अभी आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी इसका एकदम क्लोजअप लुक, देखिएगा कितना बढ़िया बना है ये मिठाई। और ये जो वाइट वाला है ये आप देख सकते हो नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें भी देखिए थोड़ा नज़र आ रहा है, तो कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है इसलिए साफ पता नहीं चल रहा है। और बहुत ही बढ़िया बनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो चलिए यही था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग, और छोटी सी रेसिपी थी मिठाई की। आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के तो मेरा अभी खाने का मन हो गया। वैसे मैं खा चुकी हूँ पर फिर से खाने का मन हो गया। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अगर अच्छी लगी हो तो।